गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपकी बायोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट मैंने करा दी है। बायोलॉजी का कोर्स पूरे तरीके कंप्लीट हो चुका है और कल की क्लास में मैंने आपको कुछ डेटा दिया था बायोलॉजी की, जो आखिरी क्लास थी घर से पढ़ने को। आई होप आपने वो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज पेपर में आपको दिक्कत होगी। और आखिरी की दो क्लासेस थोड़ी भारी हैं बायोलॉजी की, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पेपर से थोड़ा पहले देख के जाना, बिकॉज उसका एक आध रिविजन लगेगा तभी जाके पेपर में टिक हो पाएगा। केमिस्ट्री में आपने नोटिस करा होगा 5 क्लासेज आपको शो हो रही हैं और आखिरी क्लास जो है 13 तारीख को रखी गई है, यानी 14 तारीख को आपका जो पेपर शुरू होगा उससे पहले मेरी कोशिश है कि आपका केमिस्ट्री में कंप्लीट करा दूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है 99% चांस है इसमें मैं सक्सेसफुल भी होऊंगा। किसी वजह से अगर कुछ छुटमुच बच गया तो बाद में देखते हैं, बट एज ऑफ नाउ प्लान ये है कि जो अगली 5 क्लासेस है इंक्लूडिंग टूडेज क्लास, उसमें आपका केमिस्ट्री भी मैं पूरा करा दूंगा। फिर सिर्फ आपका एक कोर्स बचेगा फिजिक्स का, वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, अगले महीने तक चलेगा। और इसके साथ एक नया कोर्स मैं स्टार्ट करूंगा आर्ट एंड कल्चर का, ये कोर्स आपका 27 तारीख से। ये बेसिकली मेंस ओरिएंटेड कोर्स है, इस वजह से प्री से पहले मैं उसे नहीं लाया था। प्री आपका खत्म होगा 27 को, तो उसकी रात को 27 की ही रात को इसे मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। अच्छा देखिए, ज़्यादा कंटेंट कवर कराना है तो आपसे भी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करूंगा मैं, वो है फोकस। आपको क्लास में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा और डाउट्स वो भेजिए देखिए जो आपको सच में परेशान करते हैं। भेजना चाहें कुछ भी भेज सकते हैं, बट ऐसे डाउट्स मत पूछे जो गूगल पे डालते ही आपको आंसर मिल जाए, है ना? तो उसमें क्या होगा, 2 घंटे आपको भी वेट करना पड़ेगा और फिर किसी का, और मान लो कोई ऐसा डाउट है जो एक्चुअली आंसर जिसका कहीं नहीं मिल रहा उसे भी दिक्कत होगी। बाकी डाउट्स मैं लूंगा 11:30 के बाद, अभी के लिए हम कंटेंट कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कहानी और डाउट आपका मैं एंड में लूंगा। ठीक है, अभी मैं आपका पूरा डाउट नहीं पढ़ पाया हूँ ऋषि, बट इन शॉर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ इट्स ओके। सी देखिए, आप लोगों से एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप एक है ना फ्यूचर ऑफिसर हैं, तो कभी कभार वो चीज़ लगता है कि यार मैं आपको आम जनता की तरह ऋषि नहीं देख सकता, इसलिए मैं बिल्कुल साफ कह देता हूँ। आई थिंक आप मुझसे पहले काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं और मेरा तरीका आपको पता ही है, मैं इग्नोर नहीं करता, मैं हेड ऑन कोलिजन करने वाला इंसान हूँ, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। बाकी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में हासिल करें, उसी के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स करें आप, अच्छे से एग्जाम दें, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आपने मैसेज करा इसका मतलब आप समझ गए और दैट इज व्हाट आई वांटेड। चलिए, अच्छी बात है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आखिरी जो क्लास थी मेरी वो थी जिसमें मैंने आपको बताया था फिशन और फ्यूजन के बीच का डिफरेंस। क्या आपको डिफरेंस समझ आ गया? डिफरेंस सिंपल सा है, अगर एक चीज टूट गई तो फिशन हो गया, अगर दो चीजें या कई चीजें मिल गई तो फ्यूजन हो गया। ठीक है, इसे प्लीज आप मुझे सलोनी क्वेश्चन टाइम में भेजिए, डाउट सारे क्वेश्चन टाइम में प्लीज भेजिए। ठीक है, अब आखिरी बात जो मैंने आपको लिखवाई होगी आपके नोट्स में, वो होगा ऐसे एक टेबल जैसा बनवा दिया होगा, एक तरफ फिशन एक तरफ फ्यूजन लिख के 3-3 4-4 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवा दिए होंगे। उसके बाद की बात अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन। सन में या स्टार में क्या ऐसा होता है जिससे एनर्जी बनती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली ये रिएक्शन काफी ज्यादा स्टेप्स में होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको एग्जाम जैसा पूछ सकता है वो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा सिंपल करके। आपको पता होगा सन में जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है और एक समय आएगा सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और सन बेचारा मर जाएगा। तो ऐसी कोई रिएक्शन होगी जिसकी रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड पे हीलियम होगा। देखते हैं जी ऐसी कौन सी रिएक्शन है। देखो दोस्तों, एक 1H1 मैंने लिया, दैट इज प्रोटियम, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम, और इसके अंदर मैंने एक न्यूट्रॉन चिपकाया, यानी मैंने इससे एक न्यूट्रॉन को टक्कर कराई, और अगर मैं इसे ध्यान से समझ पाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि ये ड्यूटेरियम बन गया। ठीक है, ये ड्यूटेरियम बन गया। इसी तरीके मैंने क्या करा, एक और ड्यूटेरियम लिया, मान लेते हैं एक 1H2 मेरे पास और बना है कहीं पे ड्यूटेरियम, और इस पे एक और न्यूट्रॉन जाके टकराता है तो ये बन जाएगा 1H3, गुड इवनिंग, ट्रिटियम। ठीक है, अब दोस्तों जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है 2He4, जो कि एक हीलियम एटम होगा और साथ में एक न्यूट्रॉन और साथ में बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, नोट करिए, ये है बेसिक लेवल पे सोलर रिएक्शन या सोलर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन। एक हाइड्रोजन का एटम मिलता है न्यूट्रॉन से, ड्यूटेरियम बनाता है, और यहाँ पर एक और न्यूट्रॉन मिलेगा, ट्रिटियम बना देगा। यही ट्रिटियम किसी दूसरे पड़े हुए ड्यूटेरियम से मिलेगा और दोनों मिलकर एक हीलियम एक न्यूट्रॉन और एनर्जी बना देंगे, जो एनर्जी हीट और लाइट के रूप में सन से निकलेगी। ठीक है जी,
शुभम एक बार दोबारा लिखिए क्या पूछ रहे हैं। इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा? देखिए, इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम है, मैं आपको साफ बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से जैसा आपके मन में चल रहा है कैसे बनेगा, उसका आंसर थोड़ा नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस वाले सवाल ऐसे से नहीं पूछता। बट ऐसे करके सवाल बन सकता है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन सन, व्हाट इज द इनिशियल रिएक्टेंट, ऐसे करके बना सकता है। इसलिए मैंने आधा एक मिनट लेके आपको इसे पढ़ा दिया है। एंड में हीलियम बनता है, शुरुआत में हाइड्रोजन लगता है। यहाँ से सवाल अभी तक नहीं बना है, जितने सवाल बने हैं वो पिछली क्लास के आखिरी वाले पोर्शन में से ही बने हैं, बट कंप्लीट कोर्स है तो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। आपने नोट करा? अच्छा, लेट कैसे हो गए भाई आप लोग? गलत बात हुई ना, ये तो लेट तो नहीं होना चाहिए था आपको क्लास में। जमीन, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ऊपर वाला करे, आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार, और आप मेहनत करते रहिए। चाहे तो आज की क्लास बाद में भी देख सकते हैं, बाकी अपने परिवार के साथ समय बिताइए, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट परिवार ही होता है। चलो दोस्तों, कहानी को आगे लेके चले। ये तो हो गए फ्यूजन फिजन क्या होता है उसकी बात। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पढ़ा रहा हूँ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डाउट सेक्शन अभी के लिए मैंने आपका बंद करा है, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मैं आपको इस क्लास में कवर करा पाऊँ। सबसे पहले थोरियम, सिंबल है इसका TH। इसकी ओर आपसे पेपर कई बार पूछता है, नाम है मोनाजाइट। और मोनाजाइट जो है भारत में कौन सी जगह पे पाई जाती है, तो याद रखेंगे ये एक तो आंध्रा वाले इलाके में पाई जाती है, जैसे कि तमन्ना ने लिखा। और मेनली जो SSC पूछता है वो पूछता है केरला की कुछ बीचेस हैं उसकी मिट्टी में भी पाई जाती है, और आंध्रा वाले इलाके में भी है आंध्रा प्रदेश, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं तो स्कैटर्ड वे में थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, सिर्फ भर के नहीं पाई जाती। दूसरे नंबर पे दोस्तों यूरेनियम, सिंबल है U, और इसकी ओर का नाम है पिच ब्लेंड। मैं इस बात का खास ख्याल रख रहा हूँ कि ये SSC का कोर्स है, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और इसकी लोकेशन, ये कहाँ पाई जाती है, अगर आपसे कोई इंडिया में पूछता है तो झारखंड में जादूगुड़ा माइंस करके है, यहाँ से आपको यूरेनियम मिलता है। और वर्ल्ड में अगर आपसे कोई पूछता है तो कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये दो अच्छे सोर्सेस हैं यूरेनियम के, कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा इसे और डिटेल में भी बताऊंगा। रेयांश, उसे आप बाद में नोट करिएगा, आप लेट आए हैं तो थोड़ा सा आपको भी एहसास होना चाहिए आपका नुकसान हुआ है। उसे आप क्लास जब पूरी हो जाए उसके बाद नोट करिएगा, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, अंदाजा 2 स्लाइड में जितना आप पेज यूज करते हैं। नहीं राजू, अभी समझाता हूँ, नोट करा आप लोगों ने? थोड़ा डिटेल में चलेंगे, चिंता ना करें। देखिए, जो अभी मैंने आपसे जादूगुड़ा माइंस की बात करी थी, इसमें पाए जाते हैं यूरेनियम 238। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, लेकिन इसके कई सारे आइसो बार्स हैं या आइसोटोप्स हैं, जैसे 235, 236, 238 आइसो टोप्स। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स आपस में आइसो बार्स होते हैं, इस कोर्स के स्टार्टिंग में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इंडिया में जो मेनली पाया जाता है ना, वो 238 पाया जाता है, बट ये ज्यादा काम का नहीं होता। जो एक्चुअली सबसे काम का होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, वो होता है यूरेनियम 235 92। ये सबसे ज्यादा काम का होता है, और ये 1% पाया जाता है। यानी अगर आपके पास 100 100, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, 100 किलो यूरेनियम है, तो उसमें 1 ही किलो होगा जो यूरेनियम 235 वाला होगा, बाकी सारे 238 या और कुछ होगा। इस वजह से भले ही भारत में यूरेनियम है, बट फिर भी हम अपने रिएक्टर्स में जब यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो हम बाहर से यूरेनियम को मंगवाते हैं। मोस्ट ऑफ द यूरेनियम इन इंडिया, यूज्ड इन इंडिया, नहीं एक्चुअली मिक्स नहीं होते मयंक, कहीं पे कंसेंट्रेशन 35 की, कहीं पे 38 की ज्यादा होती है। वो तो समझाने के लिए था कि अगर दुनिया में 100 किलो है तो 1 किलो 35 वाला है, ऐसे समझ लीजिए। यूज्ड इन
इंडिया इज इम्पोर्टेड एज यूरेनियम 238 इज नॉट यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. नीरज एज पर बुक्स नो. मुकुल कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया. चलिए आगे दोस्तों, नोट करिए फटाफट से. मोस्ट ऑफ द यूरेनियम यूज्ड इन इंडिया, अपेक्षा हमारे देश में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, आगे चल के अभी मैं उनकी बात करूंगा, उसमें जो है 235 का इस्तेमाल होता है. बट क्योंकि वो हमारे पास है नहीं, तो हमें वो बाहर से मंगवाना पड़ता है. और क्योंकि 238 का इस्तेमाल नहीं होता, तो वो हम पे है, बट वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किसी काम नहीं आता. ठीक है. अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले वो बता दूं जो एसएससी पूछता है. यूरेनियम 92-236 सबसे अनस्टेबल है, इसी को U-236 भी कहते हैं. यूरेनियम 235 मिला और उस पर एक न्यूट्रॉन फेंक दो, तो ये बन जाएगा यूरेनियम 236, और इसमें बर्दाश्त नहीं है, ये टूटेगा ही टूटेगा. समझ पा रहे हो, ये जैसे ही बनेगा उसी समय टूट जाएगा और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. एनर्जी रिलीज्ड, आगे चल के पूरी रिएक्शन पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो. यूरेनियम के बारे में एक दो पॉइंट्स और बताने हैं, पहले वो कवर कराऊंगा फिर बाकी बातें करूंगा. चले जी आगे. क्योंकि दोस्तों यूरेनियम से, अगर मेरे पास 1 किलो यूरेनियम आ गया कहीं से, तो उससे जो एनर्जी मिलती है ना, ये एनर्जी बराबर होती है 55,000 किलो. ऐसे समझिए, कोयले को जलाने से जो एनर्जी मिलती है उसे, और कोयला बड़ा हल्का होता है, तो अगर इसे इमेजिन करोगे तो जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा कोयला होगा. अगर आपने कभी कोयला खरीदा है तो पता होगा कोयला काफी हल्का होता है. 55,000 किलो कोयले को जला के जितनी एनर्जी उससे निकालोगे, 1 किलो यूरेनियम में उतनी एनर्जी होती है. इसीलिए यूरेनियम को, या इन जनरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कहा जाता है मेटल्स, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं ऑफ होप. यही हमारी होप है फ्यूचर की, क्योंकि बाकी सब तो हम खत्म कर ही देंगे. ठीक है. अब एक बढ़िया बात, मोस्ट अबंडेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन इंडिया. बहुत डेंजरस है नीरज, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डेंजरस है. इसके कांटेक्ट में अगर रह लिए 1-2 मिनट भी, या चलो 1-2 मिनट ज़्यादा कम हो गया, मान लो 10-15 मिनट, जीन म्यूटेशन हो जाएगा, हल्क बन जाएंगे, और असलियत में बोलूँ तो शरीर पूरा खराब हो जाएगा, कल जाएगा, और जहाँ जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे जितने लोग हमारे आसपास होंगे वो सभी मर जाएंगे. श्याम, इसका एग्जैक्ट कीवर्ड तो आपको इंटरनेट पे मिलेगा. सिंपल भाषा में इसका मतलब है एक ऐसी क्षमता जिससे हम नए आइडियाज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे देश आगे चल सके. जैसे आजकल है ना, नई नई कंपनीज बनती है, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और बदले में वो कंपनी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो ये वो कॉन्सेप्ट है. अब एक आपका जो सवाल था, अब मैं एड्रेस करता हूँ, क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा था वो बता चुका हूँ. यूरेनियम 238 का क्या यूज़ है? इसका काम एक ही है मेनली, वो ये है कि अगर देखो जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, ये उसमें आता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है बहुत ज़्यादा है, तो इसका इस्तेमाल होता है अगर रेडियो एक्टिविटी की जो रेज निकलती हैं उसके बीच में, आपके और उसके बीच में यूरेनियम 238 लगा दे, तो ये शील्ड के तरीके काम करता है. यानी यूरेनियम 238 का यूज राजू अभी इंटरनेट पे सर्च करा, सच सच बता, सच सच, नहीं नहीं भी कराओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है.
नहीं करा, अच्छी बात है फिर। यूज ऑफ यूरेनियम 238, क्योंकि इनडायरेक्टली राजू मैं वही आपको बता रहा हूँ इस समय, मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यूज ऑफ यूरेनियम 238, इसका यूज होता है रेडियो एक्टिव शील्ड्स बनाने में, रेडियो एक्टिव शील्डिंग के लिए। कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्टर से हमला हो गया तो इसका जो है वहां पर इस्तेमाल करा जाता है। समझ पा रहे हैं राहुल? नॉट वेरी श्योर ऑन दिस फैक्ट। वैभव, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी हुआ है, वो तो मूवीज में कुछ भी दिखाते हैं। अरे तुम लोग कहाँ भाग गए हो ये? अरे कुछ नहीं हो रहा तुम लोगों को, कोई नहीं कर रहा तुम्हारे इलाके पे अटैक भैया, तुम सब सेफ हो। नहीं सुबम, नहीं करा जा सकता, अभी की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। तुम्हें लग रहा है अरे कुछ गिरेगा बम और ये कर देंगे, जब गिरेगा तो कुछ पता नहीं लगेगा, चिंता मत करो, महसूस भी नहीं होगा, नहीं पता लगेगा, रिएक्ट करने का टाइम नहीं हुआ। आगे चले, और यूरेनियम को कहीं पर भी यूरेनियम लिखाओ ऐसे लिख लेना, इज ऑल्सो नोन एज येलो केक। अभी प्रशांत बताऊंगा बेटा, पूरा बताऊंगा। यस कशिश, चलें आगे जी। येलो केक, हल्का येलो ही रंग का होता है, इस वजह से इसे येलो केक कहा जाता है। कर लिया जी नोट सब कुछ, अभी कहानी बची हुई है दोस्तों काफी सारी, अभी काफी कुछ समझाऊंगा मैं। गुड इवनिंग, मैंने अभी तक आपको जो बताया है वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन में होता है उसकी रिएक्शन, थोरियम यूरेनियम के बारे में काफी कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे चलते हैं जी, अब कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कोई बताना चाहेगा? लाइक हाउ डू यू नो दैट दिस एलिमेंट इज अ रेडियो एक्टिव मेटल और एलिमेंट, मतलब कैसे बताते हो एनर्जी से? ठीक है, एच के साथ वन होगा बेटा, प्रोटियम में जैसे लगाते हैं 1H1, 1H2, 1H3 हमने पढ़ा था ना, एमिट रेडिएशन, रेडिएशन लाइफ टाइम का अल्फा बीटा का हमारे एमिट करते हैं। अच्छा पॉइंट है, ठीक है। हीट देखो जो नाम है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, काफी सारी बातें आप लोग अच्छी लिख रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। रिएक्टर्स में होता है अर्क, थोरियम का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में करा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी इनसे निकलती होंगी रेडिएशंस, बट रेडिएशन तो हमारे मोबाइल में से भी निकलती, कहते ऊपर वाली जेब में मत रखो, एक्सरे में भी रेडिएशन होती, कहते ज़्यादा एक्सरे मत कराया करो, और ये रेडिएशन तो हमारी बॉडी में से भी निकलती है तो हम भी रेडियो एक्टिव हो गए क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग वीक, यानी एक्चुअली ये रेडिएशन कहना थोड़ा गड़बड़ है, लाइक दिस इज नॉट अ वेरी गुड टर्म, ये जनरल हो गया टर्म। हम कहने को तो इंफ्रारेड रेडिएशन ही है, तो रेडिएशन भी कोई स्पेसिफिक रेडिएशन होती होंगी। ये तीन बातें ध्यान रखना, थ्री इडियट्स होने जरूरी है। पहला अल्फा, क्योंकि अल्फा में मास भी है चार्ज भी है तो इसे हम अल्फा पार्टिकल भी कह देते हैं क्योंकि इसके पास मास वगैरह होता है। बीटा, क्योंकि बीटा के पास भी जो है मास चार्ज दोनों है तो इसे भी पार्टिकल कह देते हैं। और तीसरे नंबर पे गामा, क्योंकि गामा के पास मास नहीं होता चार्ज नहीं होता तो इसलिए इसे हम गामा रेडिएशन या फिर गामा रेस के नाम से जानते हैं। बात को समझ पा रहे हैं? जो अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा रेडिएशन है, गामा रेज है, ये निकलते हैं उनके अंदर से जिन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। कोई एक दो तीन भी निकल सकते हैं, जनरली गामा निकलेगा ही निकलेगा बिकॉज गामा इज एनर्जी। ये ध्यान रखेंगे, अल्फा पार्टिकल की अगर बात करता हूँ इधर, इसका मैं मास इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, अल्फा इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन करूंगा अगले पेज पे, चिंता मत करो। दिस हैज नो मास, नो चार्ज, तो ये क्या है? जस्ट एनर्जी।
ये तीनों एक साथ क्यों आते हैं, बाकी के और साइन है वो क्यों नहीं आते, और साइन है। देखो पहली बात, ये तीनों एक साथ आए ऐसे जरूरी नहीं है प्रद्युमन, कोई से दो भी आ सकते हैं, अल्फा भी आ सकता है बीटा भी आ सकता है, और साथ में एनर्जी निकलती है तो वो गामा की फॉर्म में आती है, और इसके अलावा और रेडिएशन भी इसके साथ आ सकती है, बट रेडियो एक्टिव होने के लिए ये इनकी कंडीशन है। यानी ऐसा कुछ है, ये होता है ना शादी के कार्ड पे लिखते हैं कि मेन हेड ऑफ द फैमिली का नाम सब परिवार, तो मेन हेड ऑफ द फैमिली ये तीनों है, इनमें से कोई दो कोई एक कोई तीन आगे ही आएंगे, सब परिवार में और भी जो आना चाहे आ सकता है। एक्सरे ऋतिक इसमें नहीं आएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्सरे से कनेक्शन नहीं रखते हैं। समझे आप लोग, जो जो आपके सवाल है पूरे एड्रेस करे जाएंगे, चिंता ना करें आप, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो क्यूरियोसिटी अपनी सुलझा ही लेता है टीचर के साथ डिस्कस करके। तुमने तो स्कूल में काफी मेहनत करी है, ट्यूशन में काफी मेहनत करी है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। पीडीएफ बिल्कुल चलेगी, यहाँ से पीडीएफ तो बिल्कुल चलेगी, आप पीडीएफ अपने मोबाइल पे या कहीं फोल्डर वगैरह में लगा लो, सारी जितनी चाहो भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा डेटा डाउनलोड करके रखो। खैर अभी के लिए क्या मैं अल्फा बीटा गामा को एक्सप्लेन करूँ, तब आपको हक है सवाल मुझसे पूछने का, बिकॉज अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी तो आपको कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। देखो ये है दो न्यूट्रॉन, और ये है दो प्रोटॉन, और ये है दो इलेक्ट्रॉन, सब कुछ बढ़िया चल रहा था इनके जीवन में, और इसे कहा जाता था हीलियम। एक बार गब्बर आ गया, और गब्बर ने क्या करा, इनकी हस्ती जो हस्ती हुई जिंदगी थी उसे खत्म कर दिया, और इसके जो दोनों हाथ थे उसे काट दिया, इसे ठाकुर बना दिया, और उसी दिन इसने कसम खा ली कि बस अब मैं अल्फा मैन बनूंगा, क्योंकि बेचारा पार्टिकल है, तो हमने कहा नहीं भाई तू अल्फा मैन नहीं बन सकता, तू अल्फा पार्टिकल बनेगा और तू बदला लेगा सबका, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैंने कहा भी कुछ इसके बारे में बढ़िया बातें बताओ अल्फा पार्टिकल के, तो कहा गया कि इसका जो एटॉमिक मास होगा ना वो हीलियम के ही बराबर होगा, सोच के देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास ही नहीं था, जो इसके ऊपर चार्ज था वो आ जाएगा प्लस का दो, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं कहीं और है, गब्बर के थैले में पड़े हुए, ले गया ना गब्बर हाथ काट के, वो तो उसके थैले में जा चुके हैं वो दो इलेक्ट्रॉन। यानी अल्फा पार्टिकल का मास चार और चार्ज प्लस का दो होता है, दिस इज अबाउट अल्फा पार्टिकल, इसे हम इस तरीके बनाते हैं चिमटे जैसा। जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में लिखते चलिए प्लीज। प्रोटॉन पे प्लस साइन, अच्छा ये डायग्राम में ठीक है, ठीक है। नहीं गब्बर अल्फा नहीं है, ठाकुर अल्फा है, गब्बर तो हाथ ले गया ना, ठाकुर था बिना हाथ के, याद करो, तुम तो उसे हथकड़ी नहीं पहना सकते, वो ठाकुर है। चलें आगे, अभी रिपीट करता हूँ तिवारी, एक एटम को इमेजिन करो बेटा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों है ना, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दो, आप फैंसी नामों को छोड़ो, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हाँ भाई बिल्कुल, क्या यही है डबली, ये भी नोट करना है जो जो मैं लिख रहा हूँ, आयनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयनाइज का मतलब ये आयन है डबल, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसके जा चुके हैं, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस और डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम एक ही बात है, आयन ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि ये चार्ज वाली चीज है तो इसे आयन बोलते हैं हम लोग, नोट करिए प्लीज। शुभम थ्योरेटिकली यस, बिल्कुल निधि हो सकता है, यस नोट करा आप लोगों ने। अब दोस्तों ये तो ठीक है, सारी बात बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बीटा भाई के बारे में बात कर लेते हैं, ये तो था अल्फा का जिक्र, बीटा, बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल
देखो बीटा पार्टिकल काफी हद तक इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पहले पेज पे भी लिखा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। अब इस जस्ट के ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ। अब टाइम आ चुका है थोड़ा सा दिमाग खराब करने का। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? देखो जो बीटा पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन, इनमें फर्क है। इलेक्ट्रॉन तो बेचारे बार 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 घूमते रहते हैं, गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं, बट बीटा पार्टिकल हो सकता है जब न्यूक्लियस टूटता है तो न्यूक्लियस के अंदर से निकले। सोच के देखो, न्यूक्लियस टूटेगा तो उसके अंदर से ही तो सब कुछ निकलेगा ना। तो पहला डिफरेंस तो आपको ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन बस चारों तरफ घूमने के लिए बना है, लेकिन बीटा पार्टिकल का ओरिजिन हो सकता है कहीं न्यूक्लियस के अंदर से हो सके। समझ पा रहे हैं? अब बीटा पार्टिकल में भी कुछ बीटा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कैन हैव प्लस वन चार्ज ऑल्सो या फिर माइनस वन चार्ज ऑल्सो। अब काफी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये बीटा पार्टिकल के पास प्लस वन भी चार्ज हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता ना करें। और मास की अगर आप बात करते हैं तो मास तो इसका इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है दोनों केस में। यानी एक बीटा पार्टिकल माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव कर सकता है, या फिर एक प्लस वन चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन जैसा बिहेव कर सकता है। याद है बीच में इस कोर्स की शुरुआत में एक जगह मैंने नाम बोला होगा, पॉजिट्रॉन। करा आपने नोट? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात नहीं आया समझ, मैं आपको सिखाऊंगा। जनरली बीटा पार्टिकल्स, पहले आप ना नोट कर लो, आज की क्लास थोड़ी भारी ही होने वाली है, आर कंसिडर्ड आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन्स। मैं समझाऊंगा, पहले आप इसे नोट करो, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता ना करें। वैभव शुभम, सॉरी क्वेश्चन मार्क आपका नाम बेटा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसकी हाफ लाइफ वगैरह ऐसा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। किसकी? अच्छा ऑप्शंस किस तरीके के थे क्वेश्चन मार्क उसमें, मतलब कुछ वैल्यूज थी या क्या था? आप लोग पहले इसे नोट करिए, उसके बाद मैं आपके सवालों के आंसर दूंगा। हाँ इन्वेंटर अलग चीज हो गया बेटा, हाफ लाइफ क्योंकि इनकी ना ऐसे बनती नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होते, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट में था, तभी मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया। आप एक काम कर लो, आपके मन में जितने सवाल है ना सबके अपनी कॉपी में लिखते जाओ, एंड में पूछना टॉपिक के। ठीक है चलें आगे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये है वो क्या रहा है। समझ नहीं आ रही है ना, समझ नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा सर। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उनका तो सब बढ़िया चलता है। आपको याद है शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो बड़े एटम्स होते हैं वो टूटते हैं, याद होगा आपको, यूरेनियम जैसी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो टूटती हैं। और वो क्यों टूटती है? क्योंकि वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके अंदर जो सबसे दूर वाले दो पॉइंट होते हैं वहां पर जो है दूरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फर्मी डिस्टेंस काम करना बंद कर देता है। याद है ये बात? जैसे मान लो ये सारे जो है हमारे पास न्यूट्रॉन है और साथ में बहुत सारे प्रोटोन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये तो सब चीजें ठीक लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1H1 में कितने प्रोटोन कितने न्यूट्रॉन? एक एक। और कोई एग्जाम्पल पकड़ते हैं, He2 में 4 में प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2। और कोई थोड़ा सा बड़ा बताओ, Na 11 23, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। यानी लमसम बराबर सा नहीं लग रहा सब कुछ। यूरेनियम 235 पे आ जाओ जरा, प्रोटॉन है 92 और न्यूट्रॉन कितने? 140 भाई, 135 एक हो गए, 143। क्या न्यूट्रॉन ज्यादा नहीं हो गए प्रोटॉन से? ये गंदी बात नहीं हो गई इसकी? यानी दोस्तों जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा बढ़ने लगती है ना तो वहां पर बैलेंस बिगड़ जाता है। एच मतलब हाइड्रोजन है। अच्छा हाँ माफी चाहेंगे, यहाँ पर भी मैंने जल्दबाजी में गलत लिखा और किसने नोटिस नहीं करा, निशा ने सही नोटिस करा, न्यूट्रॉन इसमें जीरो है। हाँ तो इस एग्जाम्पल को यहाँ से हटा देते हैं, बाकी सारे एग्जाम्पल सही काम कर रहे हैं। तो जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से तो उस केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन टूटना चाहता है।
आपको याद होगा न्यूट्रॉन का जो मास है वो बहुत हद तक प्रोटॉन से मैच करता है। तो अगर मैं इसे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में तोड़ने लगूं तो मास वाइज सब चीजें बैलेंस हो गई क्या? इमेजिन करो, मास के हिसाब से ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है सब कुछ। ज्यादा है नीरज, बट परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बराबर है, एक का फर्क है जैसे, है ना। यहाँ पे तो देखो करीब 1.5 गुना हो गया। अगर चार्ज के हिसाब से देखता हूं तो न्यूट्रॉन पे 0 है, अगर ये +1 लेगा तो क्या इसे मजबूरी में -1 लेना पड़ेगा तभी चार्ज भी बैलेंस होगा? यानी बीटा पार्टिकल बनता है न्यूक्लियस से एकदम गोली माफिक निकलता है, क्योंकि अब बीटा पार्टिकल एक निगेटिव चीज है, चार्ज बैलेंस करने की वजह से बना है वो, और मास बैलेंस करने की वजह से बना है। क्या यहां तक की बात आप समझ पा रहे हैं? अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज SSC नहीं पूछता, इसमें भी कई सारे सवाल हैं मेरे, जैसे पहला सवाल पूछूं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस तो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, तो ये बीटा पार्टिकल बाहर क्यों निकला, ये अंदर ही क्यों नहीं बैठा रहा, और अगर इसे बाहर निकलना था तो प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं निकला? तो वो अगेन वो एक लंबे छोटे डिस्कशन वाली बातें हो जाएंगी, हमारा SSC वहां तक नहीं जाता तो हम भी वहां तक नहीं जाएंगे, ठीक है। आप इसे नोट्स में इस पूरे पोर्शन को अगर आप लिख चुके हैं तो आप इसे इसके ऊपर ही लिख लीजिए, एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस व्हेन न्यूट्रॉन ब्रेक्स इंटू प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल, ऐसे लिखना। एमिटेड मतलब निकला, जैसे सन एमिट्स हीट एंड लाइट, ठीक है, समझ पाए आप लोग? इस पूरी कहानी को नोट करने की नीड नहीं है, ये आपको समझ आ गया, बस इतना काफी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, और कुछ चीजों को समझते हैं। देखो एक रिएक्शन में आपको भी यहाँ पढ़ा रहा हूं जो कि टिपिकल रिएक्शन मानी जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होने वाली, पहले आप इसे नोट करिए। जो पढ़ा है उसे रिवाइज करके जाइए सचिन, अननेसेसरीली ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, एक आध छूट भी जाएगा तो चलेगा। प्रतीश, जनरली प्लस चार्ज नहीं भी क्रिएट होता तो इट इज ओके, मतलब वो तो मैं थोड़ा और हाई लेवल चला गया था बिकॉज मैंने सोचा पॉजिट्रॉन से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये वाली लाइन आप ध्यान रखो मेनली कि जनरली बीटा पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन्स। खोल देता हूँ डाउट बॉक्स, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब एक चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, बड़े ही ध्यान से उसे समझिएगा। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि बड़ी चीज टूट के छोटी चीज बनाएगी और तब जो है न्यूक्लियर फिशन होगा, है ना। अगर मेरे पास यूरेनियम-235 है, मेरे पास यूरेनियम-235 है और इस पे मैं एक न्यूट्रॉन की टक्कर कराता हूं, अगर मैं इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देख रहा हूं तो क्या आप मुझे प्रोटॉन का काउंट बता सकते हैं? यहां पर 0 और यहां पर 92 है, और न्यूट्रॉन का काउंट आप बता सकते हैं? यहां पर 1 है। ये 0 एंड 1 का मतलब सिंपल वही है कि नीचे प्रोटॉन होते तो प्रोटॉन 0 और ऊपर 1, यहां पर 143 है। इससे बनता है यूरेनियम-236। ऊपर की चीजों को ऊपर जोड़ के लिखेंगे, नीचे की चीजों को नीचे जोड़ के लिखेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? और अब ये है पूरे तरीके अनस्टेबल, पूरे तरीके अनस्टेबल है ये, और अब ये टूटेगा बेचारा क्योंकि ये परेशान हो चुका है। अब ये ना कई तरीके से टूट सकता है, कई सारी चीजों में टूट सकता है, मतलब कई बार इससे जो है आयोडीन वगैरह भी बन जाता है, बहुत कुछ बन जाता है, बट हम टिपिकल वो पढ़ेंगे जो हमारा पेपर हमसे पूछ सकता है। इससे ना बेकार हो जाता है सब, बेकार मतलब सर बे कार अब बेकार हो गया। तो अगर आप बेरियम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो बेरियम होता है 56 और 141, क्रिप्टॉन होता है 36 92। तो अगर आप दोस्तों नीचे वाली गिनती प्रोटॉन की गिनती मिलाते हैं तो वो तो मैच हो गई, देखो 36 प्लस 56 92 बन गया,
नहीं, प्रोटॉन तो बैलेंस हो चुके, लेकिन अगर आप ऊपर की चीजों का टोटल करते हैं तो वहां पर तीन की कमी है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे तीन इंटू जीरो एन वन भी बनते हैं, और ऑब्वियसली इसके साथ काफी सारी एनर्जी भी बनती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ऊपर एन प्लस पी होता है, जी हाँ। अब कई सारे आपके मन में डाउट आ रहे होंगे। एनर्जी एनर्जी निकलती है प्रतीश, यहाँ पे इस रिएक्शन का पर्पस ही जो है वो है एनर्जी का निकलना। एक काम करोगे आप लोग, मेरा थोड़ा मुश्किल काम दूं मैं आपको, बीच में डाउट अभी मत पूछो 5 मिनट, ठीक है? अभी क्योंकि कहानी बची हुई है, टॉपिक पूरा नहीं हुआ। अब इसमें क्या है ना, यहाँ पर आपको 141 की जगह पे ना 144 भी दिख सकता है, तो ऐसे भी नोट कर लो, क्योंकि रिएक्शन अभी चल रही है। अगर ऊपर 144 वाला बनेगा तो नीचे 89 वाला बनेगा, तब भी बैलेंस ही रहेगा। ये 0N1 का मतलब है तीन न्यूट्रॉन निकले हैं और साथ में एनर्जी निकली है। अभी नोट करते चलिए आप। अब ये क्रिप्टॉन बेरियम हो सकता है आगे जाके कहीं टूटे, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं। इस पूरी रिएक्शन से मैं ये समझ पाया कि अगर मैं न्यूट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूं तो न्यूट्रॉन्स इनिशियली कितना थे, एक, और फाइनली कितने हो गए, तीन। यानी एक बार अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो उससे तीन न्यूट्रॉन बनते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? इनिशियली एक, फाइनल तीन। यानी अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है इस तरीके का और इस पे एक न्यूट्रॉन मैं फायर करता हूं तो फाइनली जो बनता है वो ऐसा कुछ है, और ये आगे जाके फिर से टूटता है और इससे दो छोटी छोटी बॉल बनती हैं और साथ में तीन न्यूट्रॉन बनते हैं। क्या आप इन बातों को समझ पाए? ये है सिंपल भाषा की रिएक्शन। गुड इवनिंग। वैसे ये पोर्शन ऋतिक उसमें है, बाकी डेफिनेटली हो सकता है कुछ ऐड करना पड़े। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, एक मेरे पास बड़ी सी बॉल है जिसे यूरेनियम कहते हैं, उस पर एक छोटी सी बॉल मैंने टक्कर मारी, उसकी वजह से वो छोटी बॉल उसमें जाके अटक गई और वो अनस्टेबल हो गई। अब वो टूट के उसने दो बड़ी बॉल बना दी, यानी दो छोटी बॉल बना दी, और उसमें से तीन, वही जो आपने इनिशियली छोटी सी चीज फेंकी थी वैसे तीन चीजें और बन गई। क्या आप इस बात को समझ पाए? अब थोड़ा सा अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे मेरे पास जो है यूरेनियम के पीसेस हैं, बहुत सारे इस तरीके, क्योंकि एक छोटे से टुकड़े में तो हजारों आइटम होते हैं, लाखों आइटम होते हैं, कभी कभार करोड़ों आइटम भी होते हैं। तो मैंने मान लिया जी इस तरीके बहुत सारे पीसेस हैं मेरे पास, दो बड़ी बॉल, जी हाँ, क्रिप्टॉन और बेरियम है। अब यहां पर मैंने क्या करा, न्यूट्रॉन फेंका, कोई तकलीफ आपको? ये न्यूट्रॉन मैंने फेंका इसके ऊपर। अब जैसे ही ये टूटा तो क्या यहां से तीन न्यूट्रॉन निकले? अब ये एक न्यूट्रॉन जो निकला है वो इस वाले से रिएक्ट करके यहां से तीन न्यूट्रॉन निकाल देगा, ये वाला जो है यहां से तीन न्यूट्रॉन निकाल देगा, और ये वाला यहां से तीन न्यूट्रॉन निकाल देगा। अब इसी तरीके जब ये इस पे जाके टकराएगा तीन, यानी समझ गए ना, जय हो मूवी सलमान भाई ने क्या सिखाया था कि थैंक यू मत बोलो, तीन लोगों की मदद कर दो। तो यहाँ पर वही चल रहा है कि ये 1 से 3 से 9 से 27 से 81 से 223 729, यही सब कहानी चलती रहेगी। नाउ दिस इज अ चेन रिएक्शन, यानी आपको बस एक बार यहाँ पर जो है आग लगानी है, यानी ये काम शुरू करना है, उसके बाद जो है ये सब अपने आप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। श्रेया, हर पॉइंट पे तो फिशन ही हो रहा है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे काले वाले बिंदी जो है टूट रही है। अब मान लो इसे कोई कंट्रोल ना करे तो क्या कुछ ही सेकंड के बाद ये एक बॉम्ब बन जाएगा? हम इसे देख के कह सकते हैं बॉम्ब लगदा मैनू, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एनर्जी हो गई, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। यही होता है न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी, ये वो, दुनिया भर में जो बॉम्ब गिरे हैं वो ऐसे ही बने होंगे, ठीक है? यही है उसका कॉन्सेप्ट। अब मैं आपके लिए कुछ लिख देता हूँ, ये नोट करना है आपको, फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम विद न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू एन
अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड लीड्स टू न्यूक्लियर बॉम्बिंग। रियांश ये रुक जाएगा जब सारे यूरेनियम टूट जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत सारी जो है एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे सुपर वाई कभी आपने बैकग्राउंड में सुना होगा, स्प्लेंडर नाम की गई है, कभी तो इसका तेल खत्म होगा ना, यानी कितनी तेज भगा के ले जाए, अभी तेल खत्म हो जाएगा, फिर इसे जैसे अपन क्या करते हैं अपने डॉगी को टहलाते हैं, फिर ये अपनी बाइक को टहलाएगा, क्या जरूरत पड़ी है, इतना महंगा तेल हो रहा है इन लोगों की वजह से, एफिशिएंसी नाम की चीज़ नहीं है इनकी बाइक्स, चलें आगे, इनकी वजह से आपको महंगा तेल खरीदना पड़ता है, पहले बहुत ज़्यादा रेस देते हैं फिर ब्रेक मार देते हैं, चलें आगे। क्या सॉल्यूशन है, कैसे एनर्जी बनी कि ऐसे तो बम फट जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि ये तो तय है कि अगर एक न्यूट्रॉन जाके टकराएगा तो तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। अगर जैसे ही तीन निकले और मैं दो को गायब कर दूं तो बढ़िया हो जाएगा, अब ये अगले पे जाएगा और यहाँ पर तीन निकलेंगे तो वैसे ही मैं दो को गायब कर दूँ तो बढ़िया हो जाएगा, यानी किसी तरीके अगर मैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को गायब कर दूँ तो बड़ा अच्छा रहेगा, वो कैसे करेंगे अभी बता दूंगा, ठीक है। अब एक दूसरी परेशानी होती है, वो परेशानी ये है कि मान लो ये यूरेनियम है, यहाँ से आपने न्यूट्रॉन फेंका, अब मान लो उसने इस पर रिएक्ट करा, आपने तीन बना दिए, दो आपने हटा भी दिए, अब ये काफ़ी स्पीड में निकलता है, मान लो इतनी स्पीड में निकला कि इसके कांटेक्ट में नहीं आया, सीधा निकल गया, तो क्या रिएक्टर बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके अंदर जाएगा, तभी तो रिएक्शन होगी। यानी दो इश्यूज है, एक तो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दूसरा स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड रिएक्शन जो है बना पाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आप अनकंट्रोल्ड करते हैं तो ये बनता है बॉम्ब, और अगर आप कंट्रोल्ड करते हैं तो इससे बनते हैं आपके रिएक्टर्स, ठीक है, इससे बनते हैं रिएक्टर्स। ये आपको थोड़ा समझाता हूँ, यानी हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रहेगी, अभी भी ये चेन रिएक्शन ही, क्योंकि एक से ही दूसरा तीसरा चौथा सब जा रहा है, अभी भी चेन वही है, लेकिन अब चेन एक एक की हो गई है, अब आपको तीन लोगों का भला नहीं करना, आपको एक इंसान का भला करना है बस। अब दोस्तों जो मैं अगले 10 मिनट बताऊंगा घोट के पी जाना, आपको भले ही ना समझ आए पॉजिट्रॉन क्यों बना, बीटा पार्टिकल क्या करता है, आपको फील नहीं आए हो चैप्टर से, इट डज नॉट मैटर। अब अगले 5 से 7 मिनट जो डेटा लिखवाऊंगा भर भर के पेपर में वहां से आता है, रिवाइज बेटा आप ऑफिशियल घर पे कर सकते हो, नोट्स को पलटो, हो गया रिवाइज, बाकी एंड में देख लेंगे, टाइम बचा तो अगर डाउट्स की संख्या कम हुई तो रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो। चलिए आगे, अब दोस्तों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, टू एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बोरॉन और कैडमियम इनका इस्तेमाल करा जाता है, इन्हें हम बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स, ये करती हैं कंट्रोल, क्या कंट्रोल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, बोरॉन और कैडमियम का इस्तेमाल करा जाता है रिएक्टर में, इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंट्रोल होते हैं, कह सकते हैं ये दोनों एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, ऐसा हम कह सकते हैं। राजू बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको समझना होगा, मैं वो मेनली बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड या किताबी ज्ञान है, आराधना सब बताऊंगा धीरे धीरे। काफ़ी अच्छी बनाई गई है जितेश, वो सीरीज काफ़ी बढ़िया, पूरी नहीं देखी है मैंने बट जितना देखा है उसे बहुत बढ़िया बनाई गई है। अब देखो कुदरत ने एक चीज़ तो हमें सिखा दी कि राजू मैं किताबें पढ़ता हूँ बस, और SSC किताबों से पूछता है, बाकी करंट अफेयर्स में कुछ बने तो वहाँ से पूछता है, और ध्रुव राठी भी देख लेंगे, पहले अभी आपको पढ़ा दे जरा, उन्हें भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स
D2O या फिर ग्रेफाइट इज यूज्ड। देखो कुदरत को जब आपको स्लो करना होता है तो क्या करती है, बारिश, बारिश में सब धीरे हो जाता है। कभी भी आजमा के देख लेना, जिस सड़क पे आप 40 पे चलाते हैं आप 25 पे ही चलाएंगे, जिस सड़क पे आप 90 भगाते हैं आप 60 भगाएंगे हाईवे, जिस सड़क पे 15-20 चल सकती थी उस सड़क पे 5 की स्पीड हो जाएगी, बाजार के अंदर जाम लग जाता है, यानी सब स्लो हो जाता है पानी से। उसका रीजन है, कई बार मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि बारिशों में जाम लग जाता है, उसके दो रीजन है। एक तो अनसर्टेनिटी, आपको पता ही नहीं जहाँ पे पानी है वहाँ सड़क है, उसके नीचे गड्ढा है, तो यू टेंड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। दूसरा इम्प्रॉपर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सही से नहीं आता है सड़क का, और आपकी जो हेडलाइट है उसका जो सूखी सड़क पे इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा होता है, उस वजह से आपको ज्यादा दूर तक का नहीं दिखता, ये दूसरा रीजन है। टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, कुदरत वाली बात, कुदरत पानी से, और यहाँ पर भी आप भारी जल का इस्तेमाल करके धीरे धीरे जो है करते हैं, ठीक है। यस आयुष्मान, D2O इज हैवी वाटर, अभी आगे चल के लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। अब प्रॉपर नोट्स इसके बनवाते हैं इस डेटा के। एलिमेंट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है थोरियम, ऑब्वियसली को रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही इस्तेमाल होगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम, मॉडरेटर, मॉडरेट कर देता है स्पीड को, इसे हम कहते हैं मॉडरेटर, जो स्पीड को स्लो कर देता है वो मॉडरेटर है। D2O बोले तो हैवी वाटर। अब दोस्तों किताब में ना बड़ी सारी चीजें, जैसे राजू जो भी लिख रहे हैं ना वो गलत नहीं है, बट राजू मैं भी मजबूर हूँ, पता है क्यों, हमारी किताब, हमारी NCERT या हमारा SSC आज भी जिद पे अड़ा है कि D2O से ही जो है मॉडरेटर का काम बनेगा, बट अधिकतर न्यूक्लियर रिएक्टर इससे आगे बढ़ चुके हैं और वो सादे पानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 50% से भी ज़्यादा रिएक्टर्स आज सिंपल पानी का इस्तेमाल करते हैं, बट बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। अगर SSC आपको बार बार हैवी वाटर का सवाल दे रहा है या NCERT अभी भी हैवी वाटर के पीछे पड़ा है, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, मुझे वही पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं मजबूर हूँ महेंद्र गिरी इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स पढ़ाने पे, भले ही मैंने अरकू वैली के बारे में सुना है, जिंदागढ़ पीक मैंने सुनी है, बट मैं क्या करूँ, नंबर आपके वो आपको उस डेटा को पढ़ने से मिलते हैं। जो स्लो रिएक्टर्स होते हैं, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे स्लो फास्ट में क्या फ़र्क है, उनमें ग्रेफाइट, और जो फास्ट रिएक्टर्स होते हैं उनमें D2O का इस्तेमाल होता है, H2O का भी हो सकता है, इनफैक्ट इसी का होता है। तीसरे नंबर पे कंट्रोल रॉड्स, बोरॉन सिंबल है B, कैडमियम, CD और जर्कोनियम ZR। दे डू नॉट न्यूट्रलाइज श्रेया, दे एब्जॉर्ब, उनमें आके बस अटक जाते हैं वो। देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, इस क्लास के एंड तक आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे, बट SSC के सवाल सॉल्व करने की क्षमता आप में आ जाएगी। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है SSC नहीं पूछेगा। एक और 2 सेकंड दोनों हो चुके हैं, रेडिएशन प्रूफ जैकेट, यहाँ जो लोग काम करेंगे वो जैकेट भी पहनेंगे, लेड कोटेड होती है, लेड टू एब्जॉर्ब गामा रेडिएशंस, कूलेंट का मतलब ठंडा रखने के लिए, जी हाँ प्रिंस, की ज्यादा हीट की वजह से सिस्टम में कोई दिक्कत ना आए तो ठंडा रखने के लिए इसमें मेनली जो है H2O का ही इस्तेमाल होता है।
क्या चीज प्रतीक दोबारा लिखे। हाँ मेनली यही है प्रतीश। अगेन प्रदेश, बहुत चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं जिंदगी में, बट आज भी हम वही पढ़ रहे हैं जो किताबों में लिखा गया है। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो हो सकता है आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हों, वो डब्बे जैसे होते हैं वो, या ब्रेड बोर्ड्स वगैरह पढ़े हों। भले ही वो बेस है सब चीज़ों का, बट आजकल वो किसी काम के नहीं है, बट अधिकतर में वही पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो हमें ये समझना होगा कि दुनिया आगे निकल चुकी है। आज हम वही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो आज से 15 साल पहले हमारे सीनियर्स ने पढ़ी होगी, यानी जो मेरे टीचर्स ने पढ़ा होगा ना, मैंने वही पढ़ा स्कूल में, और आप भी वही पढ़ रहे हैं जो आपके टीचर ने पढ़ा है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द सिस्टम, बिकॉज थिंग्स आर इम्प्रूविंग रैपिडली, बहुत स्पीड में दुनिया आगे बढ़ रही है, और हमारी किताबें अभी वहीं पे जो है स्टेबल है। इतनी स्टेबिलिटी भी सही नहीं है सिलेबस में। आगे चलते हैं, हर 2-4-5 साल में नया नए चैप्टर्स आने चाहिए, पुराने हटने चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो नया आना ही चाहिए। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देना हूँ मैं। दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय, ये जो रेडियो एक्टिविटी शब्द है, ये दिस टर्म वॉज कॉइंड बाय मैरी क्यूरी, पेपर पूछता है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसकी डिस्कवरी जो है इन्हीं के प्रोफेसर ने करी थी, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरल। कई सारी कहानी है इसके पीछे कि उन्होंने अपने दराज में कुछ रखा, फिर उन्हें महसूस हुआ कि इसमें कुछ चेंज हो रहा है, फिर उन्होंने उस पर रिसर्च करी और फिर पता लगा रेडियो एक्टिविटी है। हमारे दराज में भी चिप्स पड़े पड़े ख़त्म हो जाते हैं, उसमें हम रिसर्च करते हैं तो पता लगता है हमने ही उसे खा लिया। हमारी रिसर्च की ये लेवल है, और लोगों की रिसर्च देखो कैसी रही है जीवन में। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्यूरी भी है बैक्यूरल भी, दोनों है ध्यान रखेंगे। और हेनरी बैक्यूरल नाम की जो पर्सनालिटी है ये, और मैरी क्यूरी और इनके जो हस्बैंड है पेरी क्यूरी, ये तीनों मिलके रेडियो एक्टिविटी के बड़े ही महान खिलाड़ी हैं, और इन तीनों ने मिलकर ही इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा काम करा है। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के प्रोफेसर का नाम था हेनरी बैक्यूरल। जी हाँ, इनकी डेथ भी जो है, मैरी क्यूरी स्पेशली हेलसिंग की, उनकी डेथ भी रेडियम के कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से ही हुई थी। अब दोस्तों यूनिट्स तो चलो दोनों है, बट ऐसा यूनिट तो एक ही होगी ना। यस वैभव, दो मिले हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ये ऐसा यूनिट है क्या? यस और नो? शाबाश आराधना, आयुष्मान, बहुत बढ़िया। जिन्हें नहीं पता उन्हें भी शाबाश कि उन्होंने तुक्का नहीं मारा। ऐसा यूनिट ये है। कॉमन सेंस जब आप लगाते हैं ना पेपर में, तो क्यूरी पे तुक्का लगता है, क्योंकि कॉमन सेंस कहता है क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, बहुत ज्यादा काम भी करा, नाम भी ये ज्यादा सुना, क्या पता यही हो। नहीं, बैक्यूरल इज दी ऐसा यूनिट, ध्यान रखेंगे। एक बैक्यूरल जो है ये है वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और एक क्यूरी सी आई से डिनोट करते हैं, ये होता है 3.7 × 10^10 बैक्यूरल के बराबर, यानी 37 बिलियन, इफ आई एम राइट, जी हाँ मैं सही लिख रहा हूँ, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, बिलियन 9 और 1 10, सही है, पर सेकेंड। ये रट्टे मारने होंगे इस डेटा पे। डिसइंटीग्रेशन का मतलब वो किस रेट से टूट रहा है। मिलियन में 10^6, 10^9, 10^12 ऐसे चलता है ना, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12। कई लोग इसमें भी ट्रिक बना लेते हैं, जैसे देखो ये बिलियन ऐसे लिखा है, इसको सीधा कर दोगे तो ये 9 जैसा बन जाएगा। तो भाई पढ़ लो यार, क्या ये सब गिन लो बैठ के, वैसे बिलियनियर बनना इन्हें। खैर चलें आगे दोस्तों। अब देखिए, दुनिया में एक बार जो है बम फटा था, सी आई इज क्यूरी। वो बम ऐसा फटा था कि उसके बाद दुनिया शांत हो गई थी। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिखा है, और वो एक नहीं दो बम फूटे थे। मैं आपको समझाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग की, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरे हैं। बम बोलते हैं देसी भाषा में, वैसे बॉम्ब बोलते हैं आप इसे, बॉम्ब भी कह सकते हैं। जितना सुनने में फनी लग रहा उतना था नहीं, क्योंकि लोग बिना बात ही मर गए, कोई गलती नहीं थी उन लोगों की, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत अमीर थे,
और बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे, क्योंकि जापान के दो बहुत बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर ये बॉम्ब गिराए गए थे। कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगा, सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। जापान को लगा कि यूएसए जो है वो दुश्मन की तरफ हो जाएगा, और इस वजह से जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। अगर आप थोड़ा बहुत मैप को जानते हैं तो अगर ये नॉर्थ अमेरिका है और तो ये एशिया है, और यहाँ पर जापान है, तो यूएसए और जापान इतना दूर है नहीं जितना हमें लगते हैं। हमें लगता है हमारा मैप कुछ इस तरीके है कि नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका और जापान यहाँ है, तो कैसे अटैक कर दिया, वो नहीं, इधर से अटैक करा। ये इतना लंबा रास्ता है नहीं जितना लगता है। तो उन्होंने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, संडे को माना जाता है, जहाँ तक मुझे याद है संडे को अटैक करा, एक मूवी भी बनी है इस पर, अचानक ही अटैक कर दिया। तो उसका बदला लेने के लिए जो है यूएसए ने सब खेला पलट दिया, और हिरोशिमा नाम की जगह जो कि जापान की एक बहुत बड़ा बहुत ही विकसित शहर था, वहाँ पे बॉम्ब गिराया। तो एटॉमिक बॉम्बिंग के बारे में अब आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एटॉमिक बॉम्बिंग का मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्बिंग भी है, एक ही बात है। पेपर सटीक सवाल पूछता है, हिंदी में भी ये चैप्टर है आई थिंक 10th में, जो कृतिका नाम की किताब है, क्षितिजो कृतिका, बहुत अच्छे से तो याद नहीं है बट शायद यही नाम है, उसमें एक चैप्टर भी है जिसमें बात करी गई है इस पूरे किस्से की, कि एक वहाँ पत्थर भी है, पत्थर की चट्टान है जिसके अंदर एक आदमी का जो है आपको परछाई सी दिखती है, और शायद उसमें ऐसा कुछ है कि एक आदमी इवेपोरेट होके उसके अंदर शामिल हो गया होगा। नहीं आई थिंक सान्या ये कृतिका में है, जो 20 नंबर वाली किताब होती थी, शायद उसमें है। बाकी आप लोग मुझसे बाद में 10th में गए होंगे, तो आई वुड ट्रस्ट यू मोर देन माई सेल्फ, तो मे बी क्षितिज में हो, बट आई पर्सनली थिंक वो छोटी वाली किताब में है जो मैं अच्छे से नहीं पढ़ के गया था। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहला बॉम्ब जो है हिरोशिमा पे गिरा, अच्छा 9th में ये भी हो सकता है, माय बैड, ठीक है, हिरोशिमा में सबसे पहला बॉम्ब गिरा 6 अगस्त को 1945। इस बॉम्ब का जो नाम था वो था लिटिल बॉय, और जो फ्यूल था बॉम्ब में वो कोई रेडियो एक्टिव चीज ही होगी, वो था यूरेनियम, और जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम था एनोला गे। लेकिन एक्चुअली ये तो बस एयरप्लेन का नाम था, वैसे ये B-29 बॉम्बर, एक बड़ी फेमस जो है एयरक्राफ्ट की सीरीज कह सकते हैं सिंपल भाषा में, रही है उस समय की, जिसने काफी जगह अटैक करा है दुनिया में, वर्ल्ड वॉर मतलब इस समय और इसके आसपास, B-29 बॉम्बर ही थे दोनों, ये वाला भी अगला भी जो 3 दिन के बाद गिरेगा। नोट करा, गुड इवनिंग। दूसरा बॉम्ब गिरेगा नागासाकी पे, जो कि खेला खत्म कर देगा, जापान घुटने टेक देगा और वॉर खत्म हो जाएगा। 9 अगस्त, मैंने अगस्त ही लिखा है ना पीछे, 9 अगस्त 1945, नागानाकी हो गया है तो यार, ये तो गजब हो गया है, तो असली जापानी नाम बना दिया मैंने। 9th अगस्त 1945, इसका नाम था फैट मैन फ्यूल, इसमें प्लूटोनियम था, एयरक्राफ्ट का नाम था फॉक्स कार, ये B-29 बॉम्बर ही। कुछ था ही नहीं निशान, यूएसए इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो घुटने टेकने में भी लेट कर देता निशान तो और बॉम्ब गिरते लाइन से। फैटमैन उस बॉम्ब का नाम रखा गया था, रुकिए जरा जब तक आप इसे नोट करिए, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। चले जी आगे, यहां तक अगर आप समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं।
मैं वो देख रहा था 10th क्लास में, सच में कृतिका भी है और क्षितिज नाम की किताब भी है, बट वो चैप्टर जो है 10th क्लास में नहीं है, वो हो सकता है फिर या तो क्षितिज में होगा या फिर वो 9th क्लास में होगा। मैं बहुत क्यूरियस इंसान हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता जब भी ऐसा कंसर्न आए, और शायद मैं इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। मैंने अभी मोबाइल मेरा साथ में रखा था, मैंने भी वही चेक करा, ncert.nic.in पे गया, वहाँ पर 10th क्लास की हिंदी खोली तो वहाँ पर दोनों किताबें दिख रही हैं, एटम फॉर्म टेस्टिंग। यही मेरी एक कमी और अच्छाई दोनों है, जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं कुछ सीख पाया हूँ जीवन में, क्योंकि मैं कल पे नहीं छोड़ पाता। एटम बॉम्ब टेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, 1974 1978। काम की बातें बताएंगे, लंबी चौड़ी नहीं खींचेंगे। ऑपरेशन स्माइलिंग गुड्डा, ये फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट हुआ था, प्लेस था पोखरान वन राजस्थान। पोखरान जगह है वन, उस साइट के लिए बस इस्तेमाल करा गया है, और जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो थी इंदिरा गांधी जी। 1970s का टाइम है। माना जाता है कि ये सक्सेसफुल नहीं था, मूवी भी अगर आपने देखी है पोखरान तो उसमें भी उसकी स्टार्टिंग कुछ इसी टाइप की है, और वैसे भी इसे इतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता, बट एज अ फेलियर कहना गलत है, बिकॉज ये हुआ इसकी गलतियों से ही तो दूसरा सक्सेसफुल हुआ। सो कोई चीज़ ऐसी है जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रही है तो वो फेलियर नहीं हो सकती, इट कैन बी जस्ट एन एक्सपीरियंस जो आपको आगे मदद करेगा। जैसे चंद्रयान 2, कैन वी कॉल इट अ फेलियर? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। भले ही वो आखिरी के 5 मिनट हमारे हिसाब से चीजें नहीं चली, बट इट इज नॉट अ फेलियर। 1998 ऑपरेशन शक्ति। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्हें अब लगता होगा कि हम सेकेंड हाफ ऑफ द एज में आ गए हैं सिलेक्शन की, और आप देख रहे होंगे कई सारे 21 22 23 वाले बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। कभी भी ना परेशान मत होना इस बात को सोच के, आपका जीवन आपका है, आपके हालात आपको पता है, आपके फैसले आपकी सिचुएशन मजबूरी है, वो सबकी ना अलग अलग होती है। तो कभी भी ये सोच के मत परेशान होना कि अरे मैं अब 28 का हो गया, 30 का हो गया या 31 का हो गया, और वो बच्चा तो 22 में सिलेक्शन ले गया, मैं तो 2800 पे अटका हूँ। बिल्कुल नहीं, सबका बड़ा अलग अलग जीवन है, सबके हालात बड़े अलग अलग हैं। आपके आज से बेहतर आपका कल हो जाए, बस इसकी कोशिश करो। सिर्फ अपने आज और कल में कंपेयर करा करो, दुनिया को छोड़ दो। वरना हमेशा दुखी ही रहोगे सोच के कि अरे ये क्या हो गया, मैं लेट हो गया। यस विकास, बिल्कुल आयुष्मान, स्पेशली नाउ, बिकॉज 130 सवाल में अब आपकी जिंदगी सेट हो रही है, और बीइंग ह्यूमन मैं भी आपकी जगह जाऊंगा तो कम से कम 10 तो मैं भी गलत करूंगा। मतलब मेरा मानना है कि अगर कोई एजुकेटर भी जाएगा तो वो भी 130 है ना, 120 से ऊपर कोई नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, जो बात साफ है। जीके में 15 से ऊपर के लिए लग चाहिए, जो बात सच है। और जब नौकरी पे चले जाओ तो एक बात ध्यान रखना, वहां पे कोई नहीं सिखाएगा ये बात, मैं मेंस की बात कर रहा था, आप आपके जो सीनियर है उनके लिए जॉब नहीं करते, ये ध्यान रखना। यू वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट पर्सन हैज नॉट रिक्रूटेड यू, इवन इफ दैट पर्सन इज एन अंडर सेक्रेटरी और कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर और वट एवर, भले वो यूपीएससी से हैं और आप एसएससी से हैं, दे हैव नॉट रिक्रूटेड यू, यू आर रिक्रूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस एसएससी। तो कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि वो आपके बॉस है, कोई बॉस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बॉस। यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ, बताओ किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो भले ही वो आपके सीनियर है, ऑब्वियसली आपको नैतिकता के आधार पर उनका सम्मान और उनकी बात माननी है, बट उनकी वजह से आपका घर नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सरकार, भारत सरकार आपको तनख्वाह देती है और कोई नहीं। आगे चलते हैं जी, अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, देखिए ये एक लंबी चौड़ी बात है, मैं आपको थोड़ा वो बताता हूँ जो थोड़ा करंट एसोसिएटेड भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया करेंटली हैज, नो नो, यू हैव टू फॉलो देयर ऑर्डर, दैट इज अ, यू हैव टू फॉलो देयर ऑर्डर्स बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, वो तो करना ही है। Because that person has the right to ask you to do something, if that is as per the legal terms, you have to follow the orders. But obviously, those orders must be as per the law.
देखिए उन्हें भी भारत सरकार तनख्वाह देती है आपसे काम कराने की, तो काम तो उनके लिए करना ही पड़ेगा, बदले में जिम्मेदारी उनकी होगी। बट काम वही करना होगा जिस काम के पैसे मिलते हैं, यानी जो काम सही एज पर लॉ है। NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये पिछले किसी भी नोट्स में या बैच में कोर्स में नहीं कराया गया है, नोट कर लीजिए। ये है इंचार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर। अच्छा, बहुत बढ़िया वैभव एनर्जी। श्रेया, ज्यादा डर लगे तो जिंदगी में याद रखना 50% सैलरी सीनियर्स की डांट खाने की मिलती है, बाकी 50% सैलरी काम करने की मिलती है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी दुख नहीं होगा। ऐसा है नहीं एक्चुअली, बट ऐसा मान के चलोगे तो कभी बुरा नहीं लगेगा। नोट करा। यार एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेना, बैंक्स का तो थोड़ा बुरा हाल ही है एज कंपेयर टू SSC। बैंकिंग जॉब इज वेरी टफ। इंडिया पब्लिक डीलिंग है, टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं, भले ही आप सरकारी बैंकों में हैं, इनडायरेक्टली प्रेशर आता ही आता है। आपके साथ वाले को जब ब्रांच हेड के रूम में बुला के छोटी सी ट्रॉफी दी जाती है, तो आप पे प्रेशर तो आता ही है कि आपको भी कुछ तो पॉलिसी लोन कराने ही पड़ेंगे। खैर, इन सब बारे में बातें बाद में करेंगे। नहीं नहीं दिव्यांश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन गया था ज्वाइन करने, उससे पहले से पता था दिव्यांश छोड़नी है। अगर ऐसा होता तो साफ कहता, ऐसा है नहीं। ये कहां पर है? उस समय तो बैंक के हालात काफी अच्छे थे जब मैंने ज्वाइन करा था 17 में। ये तो पिछले 3-4 साल में बुरा हाल हुआ है, तब इतना नहीं होता था। यस वैभव, नोट करा आपने। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, TAPS, एटॉमिक पावर स्टेशन। अरे मां छोड़ते, अरे हो जाता तिवारी। ये तो जीवन में याद रखना, हर बच्चा हर इंसान अपनी किस्मत लेकर जन्म लेता है, तो मैं छोड़ो कोई हो ना हो, करने वाला कर ही जाता है। तो तिवारी आप भी कर लोगे, देख लेना, कोई हो या ना हो, अपने आप बस मेहनत करते रहो, रास्ते बनते चलते हैं। नहीं नहीं राकेश, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। जिंदगी का कोई भी फैसला रात के 9-10 बजे के बाद नहीं करना, सारे फैसले दिन में करने हैं। चलें आगे। क्योंकि दिन में ना हालात पता होते हैं इंसान को अपने, कि मैं क्यों नौकरी पर रोज सुबह जाता हूँ, तो याद आ जाएंगे। रात को तो इंसान सोचता है कि मैं ही हूँ खिलाड़ी। चलें आगे, आज बातें ज्यादा कर रहा हूँ मैं थोड़ा। इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बता दिया, फर्स्ट भी बता दिया, अब थोड़ा सा डेटा पे खेलते हैं। छापे जी डेटा, मैं आपको कई सारे नाम यहाँ पर लिखवाऊंगा और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उन पर रट्टे मारेंगे घर पे बैठ के। शुरू करा जाए। महाराष्ट्र, जयपुर, पेपर पूछेगा ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, नोट कर लो,
ये पहला है तो इसका लिख देता हूँ, 1969 में बना था विद द हेल्प ऑफ रशिया, यूएसएसआर था उस नहीं ये किसकी मदद से, यूएसए यूएसएसआर, मुझे अचानक कंफ्यूजन हो गया, यूएसए लग रहा है पता नहीं क्यों, यूएसए ही है, पता नहीं यूएसएसआर कहाँ से दिमाग में आया। करा जी आपने नोट। ये जैतापुर जैतपुर महाराष्ट्र है, ध्यान रखेंगे। बिहार, रट्टे मारने हैं जी, साफ बोल रहा हूँ, फीलिंग से नहीं पढ़ना है, घोट के पीना है, और कुछ यहाँ से नहीं बनेगा, डायरेक्टली सवाल आएंगे। सही कह रहे हैं आप, इतना सारा डेटा है बस क्या बताएं, आप तो समझते ही हैं, आप सोचिए आपको याद जितना रखना है उससे 1-2% ज़्यादा ही आपके एजुकेटर को याद रखना पड़ता होगा, और बिल्कुल सटीक होना चाहिए। छोटा भीम मध्य प्रदेश का है, बस ऐसे ध्यान रखना। अगले पेज पे लिखता हूँ, बाकी वाले पेज पे जो जाएगी। नहीं नहीं रजिए, तो गलती करी आपने, छोड़ना ही नहीं था। 7 नंबर इज लाइक नथिंग, अच्छा निशांत, चलिए आगे। राजू क्या, तो ये कबीर से ही पूछना पड़ेगा, आजकल वो देख रहा है ये सब बहुत ज्यादा। ये जगह के नाम ही हैं जो लिखे जा रहे हैं, सब प्लेसेस ही हैं। दोबारा लिख देता हूँ, रिवीजन में आराम रहेगा। गुड वन राजू। KUDAN, KULAM, KAIJ, GA, KOBADDA, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रावत भाटा वाला, पता नहीं क्यों SSC को इससे प्रेम है, बहुत बार पूछ चुका है ये। नहीं इतने कर लीजिए जो लिखवाए हैं, करा जी आपने नोट, तो मैं आगे चलूं। एक छोटा सा टेस्ट ले लूं आपका, रीडिंग कर लो स्क्रीन की अच्छे से, मैं 1-2 सवाल आपसे पूछूंगा, गलत एक भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ लो फिर कॉपी बंद कर दो। इसे भी रीड करो।
ठीक है, चलो अब पेन कॉपी उठा लो, कॉपी खोल लो, बस मुझे एक बार अच्छे से आपको रीड कराना था, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ डेटा नोट कराता हूँ, इम्पोर्टेंट है। क्या करूँ बताओ, किस हद तक जाऊँ मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए? अब फाइनली अब पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है चलो अब थोड़ा फोकस करते हैं। कुछ डेटा मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ये कुछ डेटा है, नोट कर लेना, ऐसे फैक्ट्स करके कुछ भी कैसे भी नोट कर लेना। चलो ध्यान से बात को समझना। न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट्स, कोई गेस करना चाहेगा कितने परसेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी? 5, 10, 20, ऐसे ही इस पे इतना पैसा हम लगा रहे हैं। जनरेशन, हाँ आप शेयर बढ़ाए ना, 3%, तभी तो मेटल ऑफ होप है। तुक्का मारोगे पेपर में ऑप्शंस देखे तो गलत ही होगा, इसलिए नोट करा रहा हूँ। इन द कंट्री नोट करा, टोटल रिएक्टर्स वैसे लिखवा चुका हूँ, थोड़ा सा इसका ब्रेकअप भी लिखवा रहा हूँ, 22, जिसमें से, अच्छा जी तू मुझे नहीं, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, ये तो बस मैंने ऐसे ही बनाया है आपके लिए, मेरी नज़र में नहीं आया ये सवाल। जिसमें 18 जो है ये है PHWRs, यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, और 4 जो है LWR यानी लाइट वाटर रिएक्टर्स। हम भी धीरे धीरे लाइट वाटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और रिद्धि बेटा यहाँ पे माफी चाहेंगे क्योंकि एक क्लास में ये चीज कवर नहीं हो पाएगी, ये आपको खुद ही बेटा थोड़ा सा कवर करना होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग अ क्लास, टेकिंग अ क्लास, मुझे मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, ये आपको खुद ही कवर करना होगा। मैं आगे किसी कोर्स में आपको जरूर कवर कराने की कोशिश करूंगा, बट एज ऑफ नाउ आप ही को करना होगा। नोट कर लिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट का नाम है BHAVNA, भवानी या भवनी जैसा भी कहें, और बींग सेट अप एट, अब ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, पूरे तरीके भारत बना रहा है इसे, किसी का कोई बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंडिजिनस है। एक और है कामिनी नाम से एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट, इन ऑलरेडी पहले ये बनाया गया था, उसे बड़े तरीके बनाया जा रहा नोट करा दोस्तों आपने, यहाँ पर थोरियम बेस्ड रिएक्टर, थोरियम तो एक मेटल हो गया ना, फ्यूल हो गया श्रेया, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में था प्रिया, और वर्ल्ड्स फर्स्ट में यही रहेगा जो मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है? ये पायलट प्रोजेक्ट पहले इन्होंने शुरू करा था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वर्किंग है। यहाँ पर दोस्तों एक क्लास कंक्लूड होती है, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो जाना चाहे जा सकता है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं डाउट्स देख रहा हूँ आपके, काफी लंबे चौड़े डाउट आए हैं,
एक शायद, अरे वो सवाल लिख रहा है, एक राजू का सवाल था ना वेपन ग्रेड यूरेनियम वाला, वो ऐसे राजू अगर आप क्लास में है तो आपको बता देता हूँ। बेसिकली यूरेनियम 235 का जो कंसेंट्रेटेड रूप होता है उसी को वेपन ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं, उसी का इस्तेमाल करा जाता है अटैक वगैरह में अगर कभी नीड पड़े तो। और आप ऐसा मान सकते हैं अराउंड 90-95% उसके अंदर प्योर यूरेनियम 235 होता है। अच्छा उसने कॉमेंट किया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ इट्स ओके इट्स ओके, चलेगा। एंड वैसे तो मैं नाम से समझ जाता हूँ कि कौन क्या है, तो मैं नाम से थोड़ा हैरान भी था कि वैसा कमेंट ऋषि की तरफ से कहाँ से आ गया। बट जैसा आपको पता है मेरा एक तरीका है, सब जानते ही हैं कि मैं नाम देख के जो है मैं जो है, आपको पता है ना मैं कई बार क्लास में बताता हूँ, ना ही मैं तारीफ नाम देख के करता हूँ ना ही मैं डांटता नाम देख के हूँ। मैं तो जो कंटेंट है मैसेज का उसके हिसाब से चलता हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये है कि आप क्या लिखते हैं वो मैटर करता है। बाकी इट्स ओके, उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलैक्स करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हाल में, चाहे जो हो जाए। दिन रात एक कर दीजिए इस समय तो, मतलब पीछे पड़ जाइए बुक्स के, नोट्स के, जो पढ़ना है पढ़िए, बट पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट आपको। ठीक है, स्मार्ट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बहुत हाई वगैरह कुछ नहीं जाएगी। एक काम कर लो, वैसे तो मैं इसे परफेक्ट ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं तो वही है कि उस दिन क्या होगा वो मैटर करता है। आपस एक दो टॉपिक्स ये नोबेल प्राइज़ वगैरह अगर तैयार कर लिए तो ठीक है, यही मॉक देते रहो बस, और कुछ मत करो, कोई नया नया कुछ नहीं ढूंढना कहीं से। हाँ रिलैक्स करना है, मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ, सबसे पहले चिल करना है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ये मैटर करता है। पेपर में दिमाग शांत होके जाएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो सवाल यहाँ गलत हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार गलत कराते हैं, जैसे वो एवरेज में एक वो सवाल होते हैं कि ओवरलैपिंग वाला नंबर है, पहले 7 का एवरेज था आखिरी 7 का, इतना बताओ 7वें को हटा दोगे तो कितना। आई एम नॉट सेइंग आपको नहीं आते होंगे, बट अगर ये नहीं आते या बार बार तुक्केबाजी चलती है पेपर में तो उस पर काम कर लो। रीजनिंग में कैलेंडर टाइप के एक दो टॉपिक्स अगर आपको परेशान करते हैं उस पर काम कर लो। इसके अलावा मॉक देते रहो, गलतियों को सुधारते रहो, और पेपर दे दो, जो होगा देखी जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीका है ये आयुष्मान, बस पेपर में ये गलती मत करना कि ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी हाई स्पीड, गुड स्पीड, बट नॉट ओवर स्पीडिंग। ऐसा ना हो कि वो क्योंकि पेपर में आयुष्मान कई बार 25 में नहीं निपटता, पेपर में कभी कभार रीजनिंग अकेला ही 15 से 18 मिनट ले जाता है, तो उसमें पैनिक नहीं करना अपने को। उससे हमें समझना है कि इसका मतलब रीजनिंग मुश्किल है तो कट ऑफ डाउन जाएगी, मेरी शिफ्ट मुश्किल है, ऐसे खुद को थोड़ा समझाना है। अच्छा स्कोर है इताची, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऑल दी बेस्ट आयुष्मान, कोई बात नहीं। पिछली बार के पाप धोने का समय आ चुका है, याददाश्त मेरी अच्छी है, तभी जीके का टीचर बना हूँ मैं। अच्छा ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि 22 वालों की ज्वाइनिंग अभी चल रही है और 23 वाले भी इस साल के एंड तक उन्हें पता लग जाएगा उन्हें क्या मिला है क्या हुआ है। तो अगर आप अभी भी अच्छे से आप लोग पढ़ते हो तो कुछ भी लॉस नहीं है, 2-4-6 महीने का लॉस है, उससे ज़्यादा कोई लॉस नहीं है, अभी भी बढ़िया मौका है सिलेक्शन का। इस बार भी CSS में सुना है अच्छी सीटें हैं, 500 से तो ऊपर ही है शायद, 600-700 कुछ है। टॉपिक वाइज कर लो आयुष्मान, जितना बन पाए कर लो, बाकी जान दो इस पॉइंट पे, अननेसेसरीली स्ट्रेस मत लो। करंट अफेयर्स के कितने सवाल आएंगे बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने सवाल आ जाएंगे, 5-6 जाने दो, नहीं करने अपने को, छोड़ दो। पांचों तो हर हाल में नहीं बनेंगे, पांचों तो हो सकता है मुझसे भी ना बने, तो जुआ तो 2-3 सवालों का ही हुआ ना, फिर खेल लेंगे कोई बात नहीं, मेंस में देखते हैं उन्हें। आप 24 CGL देने वाले हैं रियांश, ये जो CHSL है ये भी दे रहे हैं आप, आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। अच्छा मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं अभी आपके पास 1 साल है, यू आर गोइंग रियली ग्रेट, तो इस बार CHSL ऐसे देना है या MTS वगैरह जो भी पेपर इस साइकिल में है वो ऐसे देने हैं कि उन्हें क्लियर करना है, ठीक है रेहांश। उसका रीज़न ये है कि वही सेम सिलेबस आपको CGL में देखने को मिलेगा, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे 2-4 नंबर से रह भी गए ना तो CGL में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। हाँ काफ़ी अच्छा स्कोर है 141, चलो कट ऑफ ऊपर गई उसका क्या कर सकते हैं। आप एक काम कर लो, इंग्लिश में जो कुछ चीज़ें आपकी कमज़ोर है उस पर काम कर लो, मैथ्स पे 40-30, मैथ्स में कुछ टॉपिक्स भी कमज़ोर हैं तो उस पर काम कर लो, बाकी GK में एक बार सिलेबस पूरा कर लो ढंग से, GK समय लेगी और आपके पास समय है भी, ढंग से किसी एजुकेटर से मुझसे या जिससे आपका मन करे कोर्स को पूरा कर लो, नोट्स अच्छे से बना लेना, हफ्ते में एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना, बस काफ़ी रहेगा। इसके अलावा 7 बजे मैं स्पेशल क्लास में मिलता हूँ, वहाँ भी चाहो तो आके डेली प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की। क्या हुआ, अच्छा हुआ
कोई बात नहीं रश्मि, हर बार दिन खराब नहीं होता। वेरी हैप्पी बर्थडे जैमिन वंस अगेन। अगर आप अभी भी क्लास में हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। ये कुछ समय रुक के ही पॉसिबल होगा। और नहीं, सी फाउंडेशन बैच फॉर इकोनॉमी इज डेफिनेटली देयर। आप एक काम कर सकते हो, मेरा हिस्ट्री का कोर्स खोल सकते हो, और हिस्ट्री के कोर्स में आपको अपडेट सेक्शन में जाना होगा। अपडेट सेक्शन में जाकर वहाँ पर एक फाइल मिलेगी इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर SSC एग्जाम्स के नाम की। इसके अंदर आपको इकोनॉमी की एक स्लाइड मिल जाएगी, उस पर एक URL होगा, उस URL को वहाँ से कॉपी कर लेना और पेस्ट कर देना। अगर मतलब जैसा भी आप मोबाइल चला रहे हो या लैपटॉप वगैरह चला रहे हो, और उसे पूरा लगा लेना, वो मेरे हिसाब से बेस ऑफ कंप्लीट इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी, जो जाना चाहे जा सकता है। सबका ही स्ट्रगल है जीवन में, उसे लग रहा है वो दुख है, उसे तुम लोगों से मिलवाना पड़ेगा मुझे, उसे तब समझ आएगा जीवन का दुख क्या होता है। पुनीत कैलकुलेट करिए बस, सच में यही लाइन है जो काम की है, बाकी सारी बातें फर्जी हैं। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन करिए बस, पेपर से ठीक पहले कुछ नहीं हो सकता, बस कैलकुलेट करते रहिए, अपने आप स्पीड बन जाएगी। अटेम्प्टेड राइट रॉन्ग, ये कौन सा पैटर्न है? अच्छा, ये मेंस का है। ठीक है ठीक है, मैं वो 25 वाले जोन में था। ठीक है, 33-7 इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा गलत हो गए, ऐसा क्यों? मे भी वो कैब के चक्कर में हो सकता है। GK में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी कहूँगा मैं, GK तो अच्छा ही गया है ये। रीजनिंग ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत तो नहीं है। मॉक टेस्ट ज़्यादा दे पुनीत, और ईमानदारी से दे बिल्कुल। मतलब मॉक टेस्ट ऐसे देने हैं कि हाँ भाई मैं सच में ही पेपर ही दे रहा हूँ, उस तरीके के स्ट्रेस को क्रिएट करके ही देना है, तभी वो थोड़ा जो है ठीक होगा थोड़ा। ठीक है, ये डाउट आपका शायद मैंने कल ले लिया था बेटा, आप पता नहीं मंगल अभी समय क्लास में है नहीं है, कल मैंने आपका डाउट ले लिया था। आप कल वाली क्लास एक बार देखना, बायोलॉजी के अंदर थी वो क्लास, और अच्छा आपने स्कोर मुझे भेजा है यहाँ पर, ये शायद आपने कल नहीं भेजा। नेक्स्ट टाइम से बेटा जब फोटो भेजो ना, थोड़ा और पास से भेजना, और अगर पॉसिबल है तो कुछ एडोब वगैरह डाल लो फोन में, उससे एकदम कंट्रास्ट वाली फोटो आ जाती है थोड़ा ना, और अच्छे से समझ आ जाता है। बाकी मैं देख लेता हूँ, सही जा रहे हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, प्रैक्टिस करते रहो। जो सवाल गलत हो रहे हैं उन पे काम कर रहे हो मंगल? जैसे हर मॉक में मान लेते हैं 20 सवाल मेरे गलत और स्किप होते हैं, क्या उन्हें करके देखते हो? उन्हें अच्छे से करो, क्योंकि उन्हें करने से ना धीरे धीरे स्कोर बढ़ना चाहिए। मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ, उन्हें अच्छे से मतलब जैसे जितना भी अभी लेवल पे कर रहे हो उससे ज़्यादा अच्छे से उन्हें एक बार करो, मेरे हिसाब से उससे स्कोर और तेज़ी से बढ़ेगा। बाकी ठीक है, नॉट बैड, प्रैक्टिस करते रहो बस अच्छे से। ये डाउट्स शायद मैंने मंगल कल की क्लास में क्लियर करे होंगे, मैं फिर भी देख लेता हूँ। अलजेब्रा मेंजुरेशन नॉट कंप्लीट, GK एजेंट ऑफ अटेम्प्ट ट्रायल में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है इंग्लिश में, ठीक है, कोई बात नहीं, चांस ऑफ क्वालिफाइंग प्री, यस। लास्ट डेज में अप्रोच ये है, जितने सवाल ये दिए हैं जितने भी यहाँ पर बैठ के, इनमें वो 200-300 सवाल मिल जाएंगे ना जो परेशान कर रहे थे हमें, वो 200-300 सवालों को 2 से 3 बार लगा लो। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि है क्या ना बेटा पेपर में वही सब आना है घिसा पिटा, कि ऐसे करके वो कॉर्ड वाला डायग्राम दे देगा, एक दो वैल्यू बाजी बता देगा, ये बता देगा, ये पूछ लेगा, ये सब खेलेगा वो, और कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको ये दे दूँ और ये पूछ लूँ ऐसे तरीके के सवाल, या फिर वो वाला एक सवाल बड़ा जो पिछले 1-2 सालों से पूछा जा रहा है, इस तरीके का एक सवाल आता है ना वो, कि ये एंगल दे देगा, एक दो एंगल और देके ये पूछ लेगा, तो वो जो 200-300 सवाल आप करोगे ना, उनमें ये सवाल आपको 4-5 बार दिख जाएंगे, और पेपर में देखते ही आप फुल कॉन्फिडेंस उसे सॉल्व करोगे। ये कर लो, बाकी जो होगा देखी जाएगी। देखो एक चीज़ मंगल हमें समझनी होगी कि हमने अभी ही शुरू करा है ना, तो थोड़ा सा शुरुआत हम पहले करते तो और अच्छा रहता। बाकी कोई बात नहीं, कितना समय है उस हिसाब से चल लेते हैं। GK मंगल जो पढ़ रखी है
वो अच्छे से बस रिवाइज करके चले जाओ, बाकी ज्यादा चिंता मत लो अभी के लिए। 5-7-10 दिन में तो इतना ही हो सकता है बेटा, है ना, 200-300 सवाल लगाने में भी आपको काफी समय लग जाएगा। जाने दो ना आयुष्मान, पेपर क्लियर करने के तरीके में एक बात शामिल है कि सारे सॉल्व नहीं करने, जब आपको खुद पता है वो 2016 से 2019 पूछ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो ना, छोड़ दो। आप लोग ये भूल जाते हो कि कट ऑफ भले 150 जाती है, बट वो नॉर्मलाइज्ड होती है। पीपल डू नॉट स्कोर 150 आउट ऑफ 200, पीपल स्कोर ओनली 130 समथिंग, 140 समथिंग, दे गेट 160 समथिंग बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो वो दिखता है कट ऑफ हाई है, बट एक्चुअली हाई होती है, बट उतनी हाई नहीं होती जितना लगता है। आने दो सैंकफर्ड, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास कंक्लूड करते हैं। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलते हैं आने वाली क्लास में। अच्छा, वो चैप्टर कृतिका का ही है, अच्छा सही में 10th का ही है क्या, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अच्छा चलो सही है, मैं क्यों लिखता हूँ। हाँ बिल्कुल शिवा, ऐसे ही है। चलिए, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, कुछ भी करिए बट परेशान मत होइए। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड नाइट।